Kids, how are you doing today? I hope you're taking good care of yourself. Welcome to Learn Forward from Feather Cat Let's study the new chapter, which is more about animals. Have you seen animals? Yes, everybody has seen the animals somebody some, some animals are wild, some animals are pets, and some animals are domestic. hain? एनिमल्स होते हैं जो हम पालते हैं हमारे घरों में होते हैं वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं सॉरी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं जू में रहते हैं या बिग जंगल्स में रहते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं वो होते हैं जिनको हम पालते हैं और उनसे हम कुछ लेते हैं सो लेट्स स्टडी द चैप्टर अबाउट द एनिमल्स लुक एट दिस पिक्चर दिस इज दिस इज अ कैमल दिस इज अ डक फ्रॉक एंड पैर दिस इज अने कहा रहता है एनिमल विच लिव इन वॉटर ये स्विम करती है और पॉन्ड में रहती है दिस इज एन एनिमल विच लिव इन वॉटर एंड कैन लिव एज वेल एज ऑन लैंड फ्रॉक पानी में भी रह सकता है और हॉप करके बाहर भी आता है

फॉरेस्ट में रहते हैं माउंटेन्स पे रहते हैं ट्रीज में रहते हैं सो सबसे ज्यादा पहले क्या थे एनिमल्स और अब बढ़ते जा रहे हैं ह्यूमन बींग सो एनिमल्स और ह्यूमन बींग दोनों कहा रहते हैं अर्थ पे सम लिव इन वॉटर एंड सम लिव इन बोथ कुछ लैंड पे वॉटर पे और कुछ लैंड और वॉटर बोथ पे द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव इज कॉल्ड है वो एरिया जहां पे एक एनिमल रहता है उसे कहते हैं उसका हैबिटेट, उसका आसपास या उसके रहने का तरीका या उसका घर जैसे हम लैंड पे रहते हैं है ना तो ये हमारा हैबिटेट है ऐसी इन एनिमल्स का डिफरेंट हैबिटेट होता है जैसे अब आप अगर एक पैरेट को बोलो कि वो वाटर में रहने लग जाए तो क्या वो रह पाएगा नो या अगर आप एक फिश को बोलो कि तू ट्री पे सोना शुरू कर दे तो क्या वो ट्री पे रह पाएगी नो तो ये उनका एक तरीका होता है जिस पे वो रह पाते हैं एनिमल हैबिटेट्स एनिमल क्यों जंगल में या क्यों फॉरेस्ट में रहना शुरू करते हैं क्योंकि वहां पे उनको उनके टाइप का खाना मिलता है क्योंकि तो शेर को क्या पसंद है दूसरे एनिमल्स को खाना है ना तो वो यहां तो नहीं मिल पाएगा घर पे तो नहीं मिल पाएगा उसको अगर वो किसी के घर पे रहेगा सो so, वो उसका अपना हैबिटेट है दे लिव अंडर द ट्री और इन अ केव्स इन द फॉरेस्ट वो कहाँ रहते हैं पेड़ों पे रहते हैं या फिर अपनी गुफाओं में रहते हैं और वही उनको अच्छा लगता है उन्हें एसी, पंखा टीवी की जरूरत नहीं होती उनको अपने तरीके की जगह की अच्छा लगता है वो वहां पे रह के बारिश में भी खुश रहते हैं गर्मी में भी धूप में भी और ठंड में भी उन्हें ना तो रजाई की जरूरत होती है और ना कॉटन क्लोथ की ना अम्ब्रेला की राइट right? लायन टाइगर्स एंड बियस इन केव लायन टाइगर मंकी है स्कैरल्स भी मैंने आपको बताया ट्री पे रहती है और बर्ड्स का भी घर कहाँ होता है ट्री पे और कहा घर होता है बर्ड्स का नेस्ट और नेक्स्ट कहाँ बनता है जनरली ट्रीज पे रैट्स मोल्स स्नेक्स एंड मोंगूव लिव इन होल्स नाउ मोंगूव क्या होते हैं क्या होते हैं मोंगूव स्नेक होता है आपने देखा है मोंगूव होते हैं नेवला नेवला जो इससे स्नेक भी डरता है सो so, ये सब कहा रहते हैं होल्स में दैट द डिग इन द्राउंड और होल कहाँ बनाते हैं जमीन को खोद खोद के खोद खोद के उसके अंदर वो रहते हैं वो उनका घर होता है

पिक के स्टाइ हॉर्स के स्टेबल एंड बीज मधुमक्खियों के छत्ते को क्या कहते हैं हाइव्स एनिमल्स सच एज फिश डॉल्फिन एंड व्हेल लिव इन वाटर वी कॉल देम अ एनिमल्स वो वाले एनिमल्स जो पानी के अंदर ही रहते हैं 24 आवर्स उनको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स ये अगर पानी नहीं होगा ना तो बेचारे मर जाएंगे सो so इनको हर वक्त पानी चाहिए आपने बचपन में वो पोयम पढ़ी है ना मछली जल की रानी है सो दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स समटाइम पीपल कीप फिश इन अ स्पेशल टैंक कॉल्ड एन एक्वेरियम अब कई लोग फिश को एज अ पेट भी रखते हैं मतलब एक घर में एक्वेरियम बनाते हैं कांच का है ना और उसके अंदर पानी डालते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाते हैं और फिश लेके आते हैं फिर उसे अपने घर में एज अ पेट की तरह रखते हैं सो so, उस घर को कहते हैं फिश के इक्वेरियम एनिमल्स लाइक एंड क्रोकोडाइल लिव बोथ ऑन लैंड एंड वॉटर अब ये कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल्स हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वॉटर में भी जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टोटॉइज थोड़ी देर के लिए कछुआ बाहर आता है लैंड पे और फिर पानी में चला जाता है सेम इज द क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स ऑल्सो

अब ये एक्सरसाइज आपको लर्न भी करनी है फूड फॉर एनिमल्स अब एनिमल्स का घर तो हमें पता चल गया पर वो क्या खाते हैं लेट स्टडी इन दिस पैराग्राफ ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव ऑन सबको हमारी तरह खाना चाहिए हमें भी हर वक्त खाना चाहिए मम्मी भूख लगी है खाना दो ऐसे ही एनिमल्स भी ढूंढते हैं अपना खाना और भूख लगने पर खाना खाते हैं सम एनिमल्स आर प्लांट ईटर्स These, these plant eating animals are called herbivore. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें फ्लैश खाना या नॉन वेज खाना या कुछी को मार के खाना अच्छा नहीं लगता वो उनका हैबिटाट नहीं होता तो उनका फूड का क्या होता है वो सिर्फ हरा हरा फूड खाते हैं जैसे कि हरे पत्ते खाते हैं लीव्स खाते हैं मटर खाते हैं सब्जियां खाते हैं है ना पॉडर खाते हैं चारा जिसे कहते हैं उन एनिमल्स को हम कहते हैं हरबी बोर एनिमल्स इजी तरीका बताऊं हरबी बोर को याद करने का ह से हरा हरी हरी पत्तिया ह से हरबी बोर उसे कहते हैं हरबी बोर एनिमल्स नाउ गोट काउ हॉर्स शीप कैनिमल कैमल एलिफेंट एंड जिराफ आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हरबी बोर एनिमल्स ये वाले जो एनिमल्स हैं ये सिर्फ हरी हरी चीजें खाते हैं इनको कहते हैं हर्बी बोर्स एनिमल्स नाउ दिस इज अ टाइगर ये नहीं खाते फ्लैश खाना अच्छा लगता है उन एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निबोरस एनिमल्स लायन टाइगर लेपर्ड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवर्स एनिमल्स लायन हरी सब्जियां नहीं खाता टाइगर हरी सब्जियां नहीं खाता लेपर्ड नो 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 नो, वो दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है हंट करता है और उन्हें अपना लंच या डिनर बनाता है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश दे आर कॉल्ड ओमनिवर एनिमल्स बियर डॉग क्रोज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवर एनिमल अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हरी हरी सब्जियां भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं दोनों तरीके से सब कुछ खा जाते हैं और वो एनिमल्स कौन से होते हैं बियर्स डॉग क्रोस और ये सब कौन से एनिमल्स होते हैं ओम मैम के साथ रिपीट करेंगे ओम वेरी करेक्ट इनको आप दूध दे दो वो भी पी जाते हैं डॉग बोन दे दो बोन भी खा जाते हैं सो so ये होते हैं ओमनिवर्स एनिमल्स एनिमल मूवमेंट अब ये चलते कैसे हैं? कैसे चलते हैं रेंग के चलते हैं, के चलते हैं? या रेस लगाते हैं जैसे हम काम पे जाते हैं खाना ढूंढने के लिए है ना मनी अर्न करने के लिए उसी तरीके से ये एनिमल्स भी अपने लिए बाहर जाते हैं अपनी डेन से या केनल से या शेड से बाहर निकल के इन सर्च ऑफ फूड एंड वॉटर डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेस एनिमल्स कैन रन बहुत तेज भाग सकते हैं दे कैन वॉक चल सकते हैं क्रॉल कर सकते हैं एंड फ्लाई एंड स्विम या तो फ्लाई कर सकते हैं या फिर स्विम कर सकते हैं ये इनके डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होती है जैसे कि कौन रन करता है हॉर्स कंगारू क्या करता है हॉप बर्ड फ्लाई एंड फिश स्विम कभी देखा है फिश को रन करते हुए नो 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 क्योंकि फिश वाटर में स्विम करती है एनिमल्स लाइक लायन चीतास एलिफेंट्स कैमल्स एंड हॉर्सेस कैन वॉक एंड रन अब ये वाले एनिमल वॉक भी कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं कंगारूज़ एंड रैबिट्स हॉप आपने देखा होगा रैबिट धीरे धीरे से फुदक फुदक के हॉप करते हुए आगे जाता है बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, उनके पंख होते हैं बर्ड्स के पंख होते हैं ना छोटे छोटे हल्के हल्के से वो उसकी हेल्प से फ्लाई करती हैं। फिर स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिंस और जो फिश होती हैं, उनके ये फिंस होते हैं और ये इनकी हेल्प से क्या करती है स्विम करती हैं

चीज खाते हो या मक्खन खाते हो या बटर खाते हो या पनीर खाते हो ये कहाँ से आता है बफेलो के या काओ के मिल्क से बनता है तो, कौन देता है हमें मिल्क बफेलोज काउज एंड गोट चीज बटर एंड घी आर सम एग्जांपल्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इनको हम डेरी जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं what do we call them we call them as dairy products uneham dairy products get there let's give it a try write the names of three animals for each habitat land animal giraffe elephant and tiger water animal yes blue whale and starfish one more example come on and um fishes are of different types so you can write blue whale starfish and you can write octopus also trees jo trees hain, pigeon parrot and which, which another give me a name of another bird hurry up hurry up yes we can say kingfisher kingfisher is also a type of bird and land and water we studied they are frog टोटो एंड क्रोकोडाइल यस चीता रन अपट द इनक्रेडिबल स्पीड ऑफ अप टू सेवेंटी माइल्स पर आवर चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर होता है एनिमल होता है और ये सेवेंटी माइल्स पर किलोमीटर पर आर की स्पीड पे भाग सकता है मतलब इसकी स्पीड को मैच करना इम्पॉसिबल है बहुत तेज भागता है नाउ स्टडी डक्स डक्स एंड हेन हमें और हेन क्या देती है अस एग्स ये डक है गई डक डक तो पीछे वाले में ये हेन है ये क्या है शीप और शीप से हमें क्या मिलती है वूल जिससे हम विंटर में वुलन क्लोथ पहनते हैं और हनी क्या देता हनी कौन देता है बी बी हमें हनी देती है हेन क्या देती है हमें मैम ने आपको पहले भी बताया था यस एग्स हनी देती है बी हेन देती है एग्स शीप देती है वूल डक्स एंड गिव अस एग्स हनी बी गिव्स मेक अस हनी फॉर अस हनी बी के छत्ते देखे आपने हैव यू सीन इट कभी कभी देखना पेड़ों पे बड़े बड़े छत्ते लगे होते हैं जिसमें मधुमक्खी जो है फ्लावर से रस लेके आती है और उसमें स्टोर करती है हनी बी मेक अबाउट फाइव ड्रॉप्स ऑफ हनी इन इट्स लाइफ टाइम एक हनी बीज सिर्फ पांच हनी, हनी बना पाती है अपनी पूरी लाइफ में तो सोचो कितनी हनी बीज लगती होंगी इतना सारा हनी बनाने में वूल silk देती है और एक इंसेक्ट होता है सिल्क बॉम्ब उससे हमें सिल्क मिलती है सिल्क एंड वूल आर यूज इन मेकिंग क्लोथ दैट अस वॉर्म ड्यूरिंग द विंटर अच्छी अच्छी कंपनी सिल्क की सिल्क व को पालती है और उससे सिल्क लेती है छोटे छोटे कीड़ों को ऐसे किया जाता है उन्हें अच्छे से स्टोर किया जाता है जिससे वो हमें अच्छी क्वालिटी का सिल्क दे पाए और फिर हम उनमें विंटर से उनके क्लोथ्स पहनते हैं ऑक्सन एंड ही बफेलोज अस टू प्लाफ पील्स एंड कार आपने देखे होंगे बड़े बड़े खेतों में बैल ऊंट होते हैं यान होते हैं जिससे कि खेतों को अच्छे से सींचा जाता है खींचा जाता है उनपे ऐसे बड़ी बड़ी बुल्ड्स होती हैं जिन्हें वो खींचते हैं और सामान को इधर से उधर ले जाया जाता है हॉर्से एंड कैमल्स ऑल्सो हेल्पअस इन पुलिंग कार्ड्स घोड़े कैमल्स इनको भी यूज किया जाता है बड़ी बड़ी गाड़ियों को खींचने के लिए बुलक कार्ट्स होती हैं लकड़ी की बनी हुई है ना और इनसे घोड़ा गाड़ी होती है जिससे कि पैसेंजर्स को या सामान को वन साइड से दूसरी साइड ले जाया जाता है एनिमल्स हेल्प इन कैरिंग लोड्स ऑल्सो उनके ऊपर खूब बोझा डाला जाता है सामान रखा जाता है और इधर से उधर ले जाने में वो हमारी हेल्प करते हैं हमें हमेशा उनसे प्यार से बात करनी चाहिए और कभी भी उनसे रफ बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए हट हट भगा दो लात मारना नो 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 दे बींग्स तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए इफ यू सी एन एनिमल दैट इज हर्ट और इंजर्ड आस्क अ ग्रोना टू टेक इट टू अटनरी और अ वेड अगर आप किसी जानवर को या किसी एनिमल को रस्ते में देखते हो वो बीमार है या उसे चोट लगी है या कोई कार उसको हिट कर गई है तो हमें अपने बड़े के साथ जाके उसे एक वेटनरी डॉक्टर होता है जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है वी कॉल हिम अ वेटनरी डॉक्टर या वेड हमें उसको ले जाना चाहिए एक स्पेशल डॉक्टर होता है वेटनरी जो सिर्फ एनिमल्स को देखता है कीप योर पेट्स क्लीन बाय गिविंग देम अ रेगुलर बाथ हमें अपने पेट एनिमल्स को अच्छे से हाइजीनिकली रखना चाहिए उन्हें नहलाना चाहिए उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड करनी चाहिए उनकी नेल को ट्रिम करना चाहिए उनकी बॉडी शेव करानी चाहिए सो so हमें उन्हें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए पुट अ क्लीन बोल ऑफ वाटर आउटसाइड इन द गार्डन ऑन द टेरेस और इन द बॉल्नी फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स हमें बर्ड्स के लिए एनिमल्स के लिए एक साफ बोल में साफ पानी पीने का बाहर रखना चाहिए क्योंकि गर्मियों में जैसे हमें प्यास लगती है सेम एनिमल्स को भी वैसे ही प्यास लगती है और वो उन्हें कहां से मिलेगा साफ पानी अगर हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स दे कैन ड्रिंक दिस वॉटर ड्यूरिंग हॉट समर्स वेन ए डिफिकल्ट फॉर डेम टू फाइंड वाटर ये उस भरी गर्मी में उस पानी को पी सकते हैं जब सा सब जगह पे सूखा सूखा होया होता है तो हमें हेल्प करनी चाहिए ना एनिमल्स की येस yes, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स और हमें हर किसी की अच्छे से हेल्प करनी चाहिए अदर animals नियर योर हाउस विद क्लीन एंड healthy फूड हमें उन्हें साफ खाना देना चाहिए साफ बर्तन में देना चाहिए उनका पर्टिकुलर एक बोल या उनकी कोई प्लेट बनानी चाहिए उन्हें गंदा स्टेल फूड नहीं देना चाहिए वह वो बीमार पड़ सकते हैं मेक श्योर टू कीप एनिमल होम क्लीन एंड टाइडी जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं ऐसे हमें एनिमल्स का भी घर साफ रखना चाहिए और उनका खूब अच्छे से ध्यान रखना चाहिए रखेंगे ना आप सब ध्यान यस वेरी गुड लेट स्टडी द एक्सरसाइज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स डैश लिव ऑन ट्रीज कौन रहता है बियर मंकीज और क्रोकोडाइल मंकीज बी लिव्स इन अ प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स एनिमल्स डैश फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स dog lives in a kennel write t for true and f for false statement galat baat ke liye false correct statement ke liye true animals that eat plants are called herbivores animals true flesh eating animals are called herbivores no flesh eating are called carnivores different animals move in different ways yes true all animals eat same kind of food no इट्स फॉल्स हर कोई अलग तरीके का खाना खाता है एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर ट्रू लेट्स स्टडी द क्वेश्चन आंसर वेर डू वाइल्ड एनिमल्स लिव वाइल्ड एनिमल्स कहां रहते हैं जंगल फॉरेस्ट वॉट इज मेड बाय एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स आर दो एनिमल्स विच लिव इन द वॉटर हाउ डू एनिमल्स मूव animals move in their different ways some crawl some uh, walk some run you know so they have their different style of movement how do animals help us animals also help us in different ways they give us food they give us uh, they carry loads they make us move from here one place to another uh, they plough the fields so there are different ways in animals help us Write three ways in which we can take care of animals. Kesi sakte hain unka dhyan? by giving them clean water in clean bowl, by giving them food, and by, giving them, uh, by taking them to a veterinary doctor. So, this is how we can take care of our pet animals as well as other animals also. So, study this chapter until then, happy learning!